अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रहमानी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में गौरव तनेजा और रितु राठी हाई प्रोटीन एग रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यमी सा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। छोड़ दी है मैंने, वो तो लोगों को पता ही है, वो बिछड़ रहे हैं अभी वाइट से। सारा वाइट अच्छे से निकाल लेना, अंडे बहुत महंगे हैं भाई। दो येलो है ना, सिर्फ मैंने अभी वाइट वाले को रख दिया, दो येलो को अलग कर रही हूँ, बाद में डालूंगी ये। ठीक है, क्योंकि वरना ये फूलेगा नहीं इतना, येलो के साथ फूल okay. जाता है पर उतना नहीं फूलता। तो बेसिकली येलो अलग कर रहे हैं ताकि फुलाने के लिए। हाँ, फूलेगा अच्छे से। मैंने हाफ ऑफ कर दिया क्योंकि इतने सारे इकट्ठा नहीं फूलते। अच्छा, तो हाफ ऑफ कर लीजिए क्योंकि इतने सारे इकट्ठा नहीं फूलते। ओके। ओह माय गॉड, तूने इतना झागुला दिया। और एक ये वाला ही आपके पास फिटिंग करके ही करना, मतलब बेसिकली ऊपर नीचे। So what she is trying to say is you have to do it vertically like this. जैसे इतना कितना सारा इसने झाग बना दिया है। Oh my god, लग ही नहीं रहा। ओहो, तो पूरा झाग ही हो गया। हाँ, झाग ही है। ओहो, पूरा झाग है तो। हाँ, तो झाग ही होना चाहिए ना, वरना फिर। ये रोस्टेड बादाम है, आप चाहो तो बादाम को रोस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा ऐसा क्रंची होना चाहिए, ठीक है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मतलब बादाम काजू वगैरह सब लेके किशमिश विशिश ले लो। पैन इसके लिए आपके पास नॉन स्टिक ही होना चाहिए। डालने से पहले एक बार और थोड़ा सा उसको फेंट लो क्योंकि वरना वो ऊपर झाग इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो पूरे झाग थे। कहते हैं ये पूरी झाग ही है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, सीक्रेट बताओ, सीक्रेट। जो येलो मैंने अलग से निकाल के रखे थे ना, तो वो एक येलो अभी डाल देती हूँ। ओके, एक दूसरे वाले में डाल दूंगी। ओके, ये येलो ऐसे नहीं लग रहा, सर्दी बहुत ऐसे गुड़ के बैठा हुआ है। आप क्या कर रही हो? किशमिश से जो मजा आता है ऑमलेट में, ओए होए होए होए। कड़ा लियो। बादाम काजू हो तो वो भी डाल देना, आज अभी घर पे फिनिश हो गया काजू। और अखरोट कम डालना, अखरोट भी डाल सकते हो बट कम। सो रोस्टेड डालेंगे, जब खाएंगे तो क्रंची टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि किशमिश को डाल दिए, किशमिश अच्छी नहीं लगेगी, आप ट्रस्ट में आप डाल के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें नमक कम डालिएगा, है ना। हाँ। ये इसकी ट्रिक है क्योंकि इसमें किशमिश पड़ रही है, नट्स पड़ रहे हैं। तो और अंडे में, एग वाइट्स में खुद का सोडियम लेवल बहुत हाई होता है। सो जब हम लोग तो कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, क्लोज टू कॉन्टेस्ट, हम लोग तो अंडे में नमक डालते नहीं है बिकॉज द सोडियम प्रेजेंट इन द एग वाइट इज इनफ। नमक कम डालना है, जस्ट स्प्रिंकल कर दो। नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार। हाउ इज द ट्रिक, ये येलो फूटना नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ा साइड में डाला है रादर देन बीच में, क्योंकि मैं इसको फोल्ड करूंगी। ओ भाई साहब, ये तो सब, ये पता है ये तो सबवे वाला। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्या बना दिया। ओहो, ज्यादा ही फूल गया आज ये। ओ माय गॉड, लेकिन ये खाने में इतना सॉफ्ट होगा ना, इतना सॉफ्ट कि मजे आ जाएंगे। देखो जब इसको फोल्ड किया ना, हाँ। तो आप इसको यहाँ से थोड़ा टैप कर दो और थोड़ा इसको यहाँ से साइड से हीट कर दो। अच्छा, पलटने में बस डर ये रहता है कि आपका येलो जो है अंदर का फूट ना जाए। ओ, अरे भाई, तो पूरा डोसा ही हो गया। बस इसको हल्का सा पकाओ ताकि अंदर का बिल्कुल कच्चा ना रहे, थोड़ा वो झाल झाल से रहेंगे, वो टेस्टी भी लगेंगे। वो सेम आंच पे पका देना। हाँ, बस सेम आंच पे पकाओ। ये था हमारा आज का वीडियो। दीज आर ओनली 4 एग्स, तो इतना फूल गया है ये। आपको तोड़ के दिखाता हूँ बीच से कैसा दिखता है। ओ सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।